दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम टू डिफेंस फैक्ट्स। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, डीआरडीओ, जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, एक टेक्निकल ब्रांच है हमारी इंडियन मिलिट्री की, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। डीआरडीओ इंडियन मिलिट्री के लिए रिसर्च वर्क करती है और देश की रक्षा शक्ति को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद भी करती है। और हमारी इंडियन मिलिट्री को डीआरडीओ ने कई मिसाइल्स, टैंक्स, रॉकेट लॉन्चर्स दिए हैं। तो इसी को देखते हुए चलते हैं अपने टॉप 10 इन्वेंशंस ऑफ डीआरडीओ की तरफ। जाने से पहले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आप हमारी इस यूट्यूब फैमिली के साथ बने रहें। तो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों नंबर 10 पे है अभय टैंक। अभय टैंक एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, जिसे डीआरडीओ ने BMP-2 टैंक को रिप्लेस करने के लिए बनाया है। अभय टैंक का टोटल वेट 20 मेट्रिक टन है। अभय टैंक की ऑपरेशनल रेंज 500 किलोमीटर है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 35 किलोमीटर पर आर है। तो नंबर 9 पे है डीआरडीओ सप्तारा। डीआरडीओ सप्तारा एक मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है, जिसे डीआरडीओ ने ईयर 2000 में बनाया था। सप्तारा की टोटल लेंथ 15 मीटर है, विथ 4 मीटर और हाइट 2.6 मीटर है। सप्तारा की ऑपरेशनल रेंज 800 किलोमीटर है और इसकी ब्रिजिंग स्पैन की लेंथ 15 मीटर और 20 मीटर है। तो नंबर 8 पे है आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल को डीआरडीओ ने ईयर 2009 में बनाया था। आकाश मिसाइल को लॉन्चर सिस्टम और रेडार सिस्टम से ऑपरेट किया जा सकता है। आकाश मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 30 किलोमीटर सरफेस टू एयर है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 2.8 किलोमीटर पर सेकेंड है। आकाश मिसाइल में एडवांस गाइडेंस सिस्टम से लैस है और आकाश मिसाइल का टोटल बजट 1000 करोड़ है। तो नंबर 7 पे है डीआरडीओ स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, जिसे डीआरडीओ सो भी कहा जाता है। डीआरडीओ सो एक फ्यूचरिस्टिक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, जो किसी भी एयरक्राफ्ट को 100 किलोमीटर की रेंज में हाई प्रिसीजन के साथ गिरा सकता है। सो मिसाइल एडवांस ग्लाइडिंग सिस्टम और रिमोट कंट्रोल सिस्टम से लैस है। डीआरडीओ सो की मैक्सिमम स्पीड 3.4 किलोमीटर पर सेकेंड है और इसका टोटल बजट 56.68 करोड़ का है। तो नंबर 6 पे है अग्निफर्स्ट। अग्निफर्स्ट मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे 11 अप्रैल 1999 डीआरडीओ में बनाया गया था। अग्निफर्स्ट मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 700 किलोमीटर है। अग्निफर्स्ट मिसाइल की मैक्सिमम फायरिंग रेंज 250 किलोमीटर है। अग्निफर्स्ट मिसाइल का टोटल वेट 2.5 मैट्रिक टन है और इसका टोटल बजट 25 करोड़। तो नंबर 5 पे है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल डीआरडीओ की लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जो एक मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो शिप्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट और लैंड पे ऑपरेट हो सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 500 किलोमीटर है और ब्रह्मोस मिसाइल की मैक्सिमम स्पीड 3700 किलोमीटर पर आर है और ब्रह्मोस मिसाइल का टोटल बजट 1300 करोड़ है। और नंबर 4 पे है अग्नि 2 मिसाइल। अग्नि 2 मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे डीआरडीओ ने 2010 में बनाया था। अग्नि 2 मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 3500 किलोमीटर है और अग्नि 2 मिसाइल की मैक्सिमम स्पीड 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड है। अग्नि 2 मिसाइल का टोटल बजट 25 करोड़ का है। तो नंबर 3 पे है नाग मिसाइल। नाग मिसाइल को सबसे पहले डीआरडीओ ने 1990 में बनाया था। नाग मिसाइल एक्टिव रेडार सिस्टम और लॉक आफ्टर लॉन्च सिस्टम से लैस है। नाग मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 4 किलोमीटर लैंड टू एयर है। नाग मिसाइल की मैक्सिमम स्पीड 828 किलोमीटर पर आर है। नाग मिसाइल को बनाने का डीआरडीओ का बजट 3.2 करोड़ का है। जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो नंबर 2 पे है पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, जिसे पिनाका MLRS भी कहा जाता है। पिनाका को सबसे पहले 1998 में डीआरडीओ ने बनाया था। पिनाका MLRS एक 12 बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जिसकी मैक्सिमम ऑपरेशनल रेंज 800 किलोमीटर है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर की स्पीड
80 किलोमीटर है और पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के लिए डीआरडीओ का बजट 26.47 करोड़ है। तो अब वक्त है नंबर वन का और नंबर वन है अग्नि 5 मिसाइल। डीआरडीओ के अभी तक की सबसे बेहतरीन मिसाइल है जिसको डीआरडीओ ने दिसंबर 10, 2018 को बनाया था। अग्नि 5 मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 5800 किलोमीटर है और अग्नि 5 मिसाइल की मैक्सिमम स्पीड 4.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। अग्नि 5 मिसाइल को बनाने के लिए डीआरडीओ का टोटल बजट 50 करोड़ का था। फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।